नारी कन धारा और के दो जोजन भई पवन कुमारा और सुरसा क्रोध किया अति भारा। अरे बा हो गई जोजन चार में अरे खाने की ये में सभी है सुरसा पर अहंकार में कहे अनुमत को खान चलिए। तो फिर महाराज किया है आठ जोजन में के कपि बलवंता और सुरसा सोड़ा भई तुरंत सोल चौकों चौफट कोसर में हुई है तो के 32 जोजन में कपि हनुमंता। अरे वो नहीं आया संगार में ऐसा बाबू हनुमान बली है। अरे सुरसा पर अहंकार में कह अनुमत को खान चली है। तो फिर महाराज क्यों है कि जू जू बदन बधावे नारी और उनसे दुगुना होए बलकारी। जू ही सुरसा आपको शरीर बधावे हनुमान जी भी है जगह दुगुना होवे महाराज। तो के सुरसा क्रोध किया कि भारी अरे अब खाऊंगी मार के कपी के गल बात गली है। सुरसा हनुमान जी बार कर जुई कांकी बीड़ी हनुमान जी महाराज जो मस्क बदया जो चौड़ा बदया अरे महाराज बा कांकी जगी छोटी और सुरसा ने बड़ी बारी रीस आई है। अटे गोस्वामी जी लिखे के सुरसा आपको मुख है जगो 100 योजन में करियो है। तो गोस्वामी जी काई कहे है अरे सत जो जन ते आन लघु रूप है
और सियापति रामचंद्र भगवान की। बोले बालाजी महाराज की जय। सत जोजन ते ही के आनन कीना। बड़ी सुंदर बात लिखी है गोस्वामी जी। सत कह संस्कृत में सोन है और आनन कह मुख ने। सुरसन आपरो मुख है जगो महाराज सो जोजन में कियो है। हाँ पूरो है जगो चार से कोसरे में हुई है। सत जोजन ते ही आनन कीना तो अति लघु रूपी पवन सुती न। हनुमान जी महाराज बट बुद्धियों काम लियो और सूक्ष्म रूप बनायो छोटो शोक लघु गए छोटे ने। अति लघु रूप पवन सुतलीना और सुरसाए जो भूकरो प्रस्ताव ले रही तो हनुमान जी महाराज मेरी भी इच्छा पूर्ण करी। बदन पैठ पुनी बाहर आवा। बदन यानी कि शरीर में जाकर के हनुमान जी महाराज पाछा बारे आया और माता सुरसंग है जो विदा मांगी है। बोले मैया मांगा विदा ता ही सिरु नावा। शीश नवा करके विदा मांगी है। बोले क्यों हमें विलंब करे क्यों मोड़ो करे तू जो को भूखड़ो प्रस्ताव ले रही ओई थारू मैं पूरो कर दियो। हाँ अब माता सुरसा हनुमान जी महाराज ने कहे है हे हनुमान मैं कोई निशाचरी कौन महाराज तो मोही सुरन जे ही लागी पठावा। मन देवता भेजी अर थारी परीक्षा लेने वास्ते अर बुद्धि बल मरम तोर में पावा। मैं थारो बुद्धि और बल जकेरो मरम जान चुकी हूं अर तुम्हारा तू कटी अटक नहीं सके। अब हनुमान जी महाराज ने माता सुरसा आशीर्वाद देने लागी है और हनुमान जी महाराज ने कहे है अरे राम काज करी हो तुम। राम काज करी हो तुम्हें और बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो तो अरस चले अनुमान। माता सुरसा हनुमान जी महाराज ने कहे ए हनुमान तू जल्दी जल्दी भगवान राम जी रो काज कर रहा इतना मारो है जगो आशीर्वाद है। राम काज करी हूं सब है एर बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो और अरस चले हनुमान। सुरसा आशीर्वाद देकर के और वापस देवलोक में आई और देवता ने आकर के बधाई दी है। बोले चिंता मत करो बिन लोग है जो हनुमान कह वो कोई है जो अटकनियों को मारा। अब हनुमान जी महाराज आकाश रे महाराज आगे छलांग लगाई है तो जितने किसो रोड़ो मीठो थोड़ी हो। समुद्र रे हनुमान जी बीचो बीच आया तो बट एक रावणी छोजुड़ी राक्षणी सिंह का नाम करके बड़ी बारी माया भी विद्या ही राउंड रोके वो रोके जो कोई भी ऊपर कर जीव जंतु उड़ करके इस समुद्र रे एर महाराज अड़लंका में आवे तो वो थारू ग्रास है तू बीरो कलेव कर जाए। एरबीरकन इसी विद्या ही के जगो भी फरसा भाई वो जीव जंतु ऊंट उपकर उड़तो एरबीरी छाया ही जगी पानी रे माथे पड़ती बा हम मेरी छाया ने पकड़ कर केरबी ने जगो नीचे उतार ले उंती बीरकन इसी विद्या ही एर हनुमान जी वीर चपेट में आ गया। तो अब हनुमान जी रे और सिंहकार बीच में कहीं समाध हुए है और कहीं बाता आरी शाबाश अरे दुष्ट एक बिंदु मई रहती उड़ता नबचर देती विदा।
नबकर देती गिरा और के हनुमान की छाया पकड़ी बढ़ दी भूखा दिया प्राण गवा हनुमान जी आकाश रे मारे घुड़िया और उड़ती टेमरमा भी सिंह करे जो नहीं आ गया भी विचार करियो भी कलेव हांत्रो है एर मोटो ही चोको है एर आता हुआ रोजा है हनुमान जी महाराज की छाया पकड़ करके हनुमान जी ने खांसना हरू करिया है तो जिया टाबर किन्नी ने क्या नहीं जीव तारे जो हनुमान जी महाराज ने जगो नीचा लेना हरू कर गया हनुमान जी विचार करियो भाई आपा वाई ठीक आ एर चाला ही ठीक आ एर इया नीचे खंची जा किया काई बात है आगे हनुमान जी निगे करे तो वह राक्षसी पानी रिमा होती है एर नस पसा रुड़िए पानी उबारे एर खड़ 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 खड़े जगी हंसे हनुमान जी की अच्छा तू है हनुमान जी भी जाम ताई एक जोर कम पड़े रिमा ढोकी एर एक करके मी मारा नशा पानी चाड़ गया कोई कलेवा नहीं कोई दलेवा बेकारा ही जगी आउती गई तो के अब पहुंचा कपी समुद्र किनारी वो लंकपुरी ने देखी जाए हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे आया है और खड़ा खड़ा लंकारी जगी शोभा देखे गोस्वामी जी लिखे है अरे बन की शोभा देखने बन की शोभा देखने और चकित भये हनुमान सागर तट पे आय के तो कपी आप लियो विश्राम वन की शोभा देखने और के चकित भये है हनुमान अरे के सागर तट पे आई के कपी आप लियो है विश्राम हनुमान जी जीते लंकारो निरीक्षण करियो जीते महाराज कुछ क्षण लिए है जो वो विश्राम करियो हनुमान जी भी समुद्र के किनारे एक पहाड़ की चोटी के माता चढ़िया है और चढ़ करके लंका न देखे भाई काई तरीके की लंका है और इन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत रे माता बैठा बैठा और सीधो है जो लाइव टेलीकास्ट सीधो दृश्य देखा भगवान शंकर माता उमा ने कह बोले हे उमा ओ हनुमान है जो तुम्हारो ग्यारह उधर है और देख क्या ओ है जो तुम्हारा निसंकोच की पहाड़ी चोटी माते उगो है तो अठे रूढ़ चंदी महाराज एक चंदरी जड़ दिखी है अरे कहीं कह अरे कहे महादेव भाई रे कहे रे महादेव सुन सुनो तुम्हारा जात धरे
शंक वाली जरा भी ना माने डर ओ अनुमान है जो किया ही पार्टी चोटी रे माता संकोच खड़ो है क्यों नहीं खड़ो रे महाराज जके रे माथे भगवान राम री कृपा हुए तो भी अंदर कौन हुए राम की राम के प्रताप अति दया है के ई अनुमान पर भगवान शंकर कहे है के भगवान राम री ई अनुमान रे माथे अति कृपा है पूर्ण कृपा है महाराज राम के प्रताप के अति दया है अनुमान पर और देख रहा लंक वली के लंक तो असुर वीर और चौगड़ दी फिर या सिंधु के बट ऐसी लगी है तदवीर और दद्दे 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 के बोलता है सिंधु का नीर वो सो योजनरू समुद्र है जगीर में पानी बड़ो भारी भुजाईमान हो रही है खाई के चक्कर जल के पड़त भमर घोर जगिया जगिया पानी माथे काली जगी भौरिया पड़े खाई के चक्कर जल के पड़त भमर घोर
और सिंधु बीचे जीव जंतु तिर रहा है। अरे अनेक प्रकार रा जानवर जगह भी पानी जमा थे जगह तिर है। अठे रूढ़ चंदी महाराज लिखियो है कि तिरते है बिना ही सुमार, अरे महाराज शिखर पे चढ़ गए है पवन कुमार हरि सर। तो अब हनुमान जी महाराज लंकारी शोभा देखी है, काई शोभा है, क्योंकि लंका भी बड़ी विचित्र ही महाराज। भगवान शंकर रे कहने, भगवान शंकर पार्वती रे कहने समय जगो विश्वकर्मा जी महाराज ने ऑर्डर देकर के और लंका है जगी रचवाई। लंका की सी छोटी सी बात थोड़ी, सोने की गढ़ लंका बंका के चौत्र पे पड़ा है नीर, लंका रे चौफे है जगो पानी पानी, क्योंकि पानी रे मां विद्यमान एक नगरी रची विश्वकर्मा जी महाराज। सोने की गढ़ लंका बंका चौत्र पे पड़ा है नीर, अरे के राक्षसों का पेरा लागे बट हाथ में धनुष और तीर। एर मल जो अखाड़ा लड़ते योद्धा है जगह 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 अखाड़ा लड़े है। अरे मल जो अखाड़ा लड़ते के बड़े बड़े सूरवीर और के सुंदर सुंदर देखिया बाग बागा बीच हरियाली, अरे चंपा हीना मोगरा एर के बट फिर केत की झुकी है डाली, एर भंवरा गुंजार करता के सींचता है कंवर माड़ी। अरे जिनका रावण था मई पर जकेरो शासन कुन चलावे है, रावण चलावे महाराज। जिनका रावण था महीपाल, अरे के देख लिया है हाल खड़ा है अब लंक किनारा, अरे बलि हनुमान बलवान काज सियावर का सारा। तो हनुमान जी महाराज खड़ा खड़ा लंकारी शोभा देखी है और अब मन में विचार करे हनुमान जी का आपा लंकार मा आत हो गया, पर ई लंकार मा आपा प्रकोटेर मा प्रवेश किया करा ए? हाँ हाँ अमेर कठो आया हमारा बे चीजा है जगी लुप्त होगी, क्योंकि द्वारिका भी सोनेरी ही पर महाराज बे चीजा है जगी लुप्त होगी। अब हनुमान जी महाराज जीता भी लंकारा है जगह दरवाजा है जगह चेक करिया है, क्योंकि लंकारे दरवाजे दरवाजे रे माथे है जगह पेरो लाइया कर दो। हनुमान जी ने दरवाजे में मुंडो काढ़ है और पाछा खंसी जाओ, क्योंकि बाबू तू चातर गणा है ना। लास्ट किनारे दरवाजे आया है तो बट एक लंकनी नामरी राक्षसी आ तीसरी बाधा है। लंकनी नामरी राक्षसी एर बूढ़ी ही वा और धीरे 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 नींद रही है जगी झोकड़ियां ले ही एर शस्त्र पाती वीर कनकी हो को शस्त्र पाती रजियां वीर लांबा नख बदौड़ा बा काई करती के हाम देने दादा नखाऊं चीर करके है जगो खाऊंती वीर कन इसी विजय। हनुमान जी विचार करियो कि अठ काम जत जी, क्योंकि जगी टेबर माई ने गहरी झोंकड़ी आई भी टेबर मां धीरे से एक लंकार मां प्रवेश कर जा, नहीं तो कोई रोड़ो वेर नहीं कोई वेद होवे। तो अब हनुमान जी महाराज बड़े सूक्ष्म रूप बनाई हुए छोटो सो और दिन रे बदान हनुमान जी लंकार मां प्रवेश करियो भी टेबर मां छिलको मिलखो शोक दिन हो। तो अठे प्रसंग उठे तर्क उठ्या करे कदी कदी के महाराज हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनायो जन पसबा मूंदड़ी है जगी ने पर कन कोई जेब थोड़ी थोड़ी जेब में गाली। तो गोस्वामी जी लिखो है अरे प्रभु मुतरी का मेली मुख माई
भोले बाला जी महाराज की। प्रभु मुद्रिका के मेली मुख माई और जल धीला लगाई असर जनाई। जलधी के समुद्र ने हनुमान जी सो युद्ध में वो समुद्र लंघन करके और लंका आया। कोई बाना है जो महाराज। हाँ तो अब हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप बनाए हुए छोटो सो और हनुमान जी कहीं भी लंका में प्रवेश करे है और कहीं बार लंकनी जागे है और कहीं हनुमान जी रे और भी लंकनी रे बीच में संवाद में और कहीं बात। अरे शाबाश है आरे पंदर भूप दर छोटर रूप सोभान उपजाती वरणी।
शोभा अनु उपजा की वर्णी अठे महाराज लिखे हुए मंदिर बीटी मेरी शोभा है जिकी वर्णन नहीं जावे शोभा अनु उपजा की वर्णी और के दिन रहा शेष कीना प्रवेश वो बंदर नरेश की शुभ करने का हनुमान जी जुई की लंकार दरवाजे रे बजरी ठोकर तोड़ कर के मां बड़े है और भी टेमर मां खड़को यो रे महाराज परसा भाई वा लंकनी है जगी सुवान निद्रा वरी अर जागी है आगे हनुमान जी महाराज ने देखा है बोले तुम ठीक आइयो भाई मार तो छुट्टी रो टेम है अर चौकी तरह तो घर जाऊं ती टेमर मां कले उ घर जाऊं तो नी नी चौकी आई हनुमान जी बिन देख रही हो तू एक बात मने यूं बता के भी समुद्र रे किनारे हूं लेकर के अड़ ताई थे तीन मिली हो पहली माता सुरसा मिली मेरी बादरे मां सिंह का अब तू लंकनी थे एजती मारा तीनों ही को कहे आज खाओ ओई खाओ खावनेरी बात करो काकी आउडेरी आओ भगत करो बाके मारे राक्षस रे जो खावने रो काम है यार तू है जो ज्यादा बात मती कर हम जल्दी कर मार नेड़वा हनुमान जी ने देख मन में विचार जो भी आ किसु मान ही थोड़ी जन हनुमान जी भी ने क्यों तू खाई जण यूं कर के मन की बदनरी अटकल जो लांबो चौड़ो बजे हूं जो तू कई दिन तई खाबो करी अब हनुमान जी महाराज ने मारा राक्षस कह लंकनी के आ विद्या है थारे कन मतवा लारे काम भी राखे तो हनुमान जी महाराज हरदेर मां भगवान राम जी रो ध्यान करियो है अरे बाबू है जो को मशक बजाई जो बदन लाया है क्योंकि हनुमान जी ने अष्ट सिद्धि और नौ निधियों तो वरदान माता जानकी हनुमान जी महाराज जानकी कन बाग माया भी टेमर मां दिए बाकी बियू पहला हनुमान जी रे कने सूर्य भगवान हनुमान जी महाराज रा गुरु है और सूर्य रे कनु हनुमान जी रे कने 27 प्रकार री जगी सिद्धि है जगी महाराज जी पहली प्राप्त है छोटो मोटो लंबो चौड़ो हनुमान जी महाराज दस ज्यों हो सके अब हनुमान जी महाराज मशक बजाय ज्यों बदन लाग्या है अरबा लंकनी उपरानी देखे अरबा कहे भाई लगभग अब तो महीने डेढ़ महीने रो जुगाड़ हो जा पेली हनुमान जी लंफर गिर एक कन फड़े में दी अरबा पृथ्वी माथे पड़ी अर पड़ती रही गिर ना करे माऊ है जो रुदर री धार चालू हुई अरबिन चेतो हुई क्यों कभी लंकनी ने ब्रह्मा जी रो वरदान हो कह जगी टेमरे मां हनुमान नाम रो बांद्रो अठ लंका माई अर थारे कन फड़े रे मां दई जण तू विचार कर ली दई अब लंका रो खैनाश अर थारो भी दिनी कल्याण अब लंकनी आज जोड़ हनुमान जी महाराज ने कह गई महाराज थी हनुमान जी हो हनुमान जी क्यों तू एक पड़ताई रे जगो पूरो परिचय पत्र बताऊं लागी एर महाराज थे जल्दी जल्दी लंका में जाओ थारो कार्य है जो सफल हो और भी लंकनी पूरी बात हनुमान जी महाराज ने लारली ब्रह्मा जी वरदान री बताई है बाके सिद्ध करो तेरे काज सरो सब दुष्ट मरो लंका धरणी हे महाराज आप जल्दी जल्दी लंका में जाओ थारो कार्य है जो सफल हो हनुमान जी क्यों ई डाले तू पहला मरती नहीं
तो हुंदे हो तोई कोई क्यों आ तू नुकसान हो तो बता हम तू पंपोड़ हारी कर हूं आगे लंका बजाऊं तो हनुमान जी रे और लंकणी रे बठ कुछ क्षण रे लिए सत्संग होई है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सुंदरकांड में चौथे दोहे में लिखो है और कह आरितात स्वर्ग अपवर्ग सुखी आरितात स्वर्ग अपवर्ग सुखी और धरिय तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिरी तो जो सुख नव सतसंग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख स्वर्ग रो सुख और अपवर्ग के मोक्ष ने वैकुंठ में बारो सुख है जो महाराज स्वामी जी महाराज के तराजू में एक पलने में डालो और एक पलने में एक लव मात्र सत्संग जन महाराज लवरी संज्ञा दी है कि आप अपनी आखरी पलक जब पर उगाड़ा जन कितो समय लागे एक सूक्ष्म समय लागे महाराज जी तो भी ने बोले एक निमिष तो भी निमिष रो तीसरो भाग तीसरो अंश बिन कह एक लव मात्र अगर भी पलने में इति की सत्संग है तो वो पलनो है जगो भारी है इति सत्संग की महिमा बताइए महापुरुषा और अठे सूरदास जी महाराज एक सत्संग की महिमा लिखी है और कह अरे साध संगत मोई ए दीजो रे राम जी ओ सतरी संगत मोई
कर करुणा उपदेश बतावे वे अरे डूबत भुजारे बतारे साधु संगत मोई दीजो बार बार के मारी आई है बिनती और कृपा मोपर कीजो ओ साधु प्रभाव है।
क्योंकि परमात्मा री भक्ति हरेक आदमी ने मिलनी महाराज दुर्लभ है, क्योंकि साध संगत ब्रह्मादिक बंचे, ब्रह्मादिक सत्संग चावे और सनकादिक मुनि ज्ञानी, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जगा दिगंबर ऋषि है, बेबी है जो को सत्संग चावे, क्योंकि शत्रु संग महाराज अलग है। साध संगत ब्रह्मादिक बंचे के सनकादिक मुनि ज्ञानी क्यों चावे कि जो सुख साध संगत में कहिजे वो सुख नहीं है राजधानी, जको सुख इस सत्संग में है वो महाराज कटे राजधानी में कोनी है। अरे जे राजधानी में हूं तो बड़ा बड़ा महाराजा वीर योद्धा बे महाराज क्यों गो है जो राज छोड़ता, क्योंकि कबीर सावरी एक झलक है ले आयो है जना चा आयो जी थोड़ी गई कह दू, क्योंकि बिसा बिसा वे राजा जका महाराज आप जगह राज खजाना जगह में कोई प्रकार की प्रहलाद जी मारा कमी नहीं है, पर मारे सत्संग रो कांटो लागो जन महाराज मां वो त्याग दियो महाराज कभी लिखो है रुले कमरा को भाई देखो जवान हो अरे इंदर के ज्ञाति भये, इंदर के ज्ञाति भये और पिताजी गंधर्व सेन भाई विक्रमादित है तो जोरे घर में नावती बेन, इंद्र के ज्ञाति भाई और के पिताजी गंधर्व सेन और के भाई विक्रमादित है जोरे घर में नावती बेन। राजा भर्तरी जैसो संसार में कणी त्याग नहीं कियो महाराज तो लिखियो है अरे अरे भूप भायो ए बैरागी रे भरतरी, अरे भूप भयो है बैरागी बन डो
भले भक्त वसल भगवान की, बोले बालाजी महाराज की, बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की। अरे मन त्याग के महाराज, क्योंकि संसार में वहां त्याग की हो माता